देखो कोई भी ऐसा आंसर बख्शा नहीं जाऊगा जिहड़ा भी कि इदां दे मामले दे विच जिहड़ा कोई ये सोचूगा असी टिकटबाजी करके कोई पास करा देंगे जां क्योंकि सरकार सख्त है हर एक चीज़ नूं प्रोपर तरीके नाल लिया जाऊगा प्रोसीजर हर एक फॉलो किया जाऊगा सो इस करके किसी नूं कोई घबराउण की लोड़ नहीं कोई भी जिहड़ा हैगा इदां दा शख्स बख्शन जाऊगा जिहड़ा कोई प्रोटेस्ट काम करने की कोशिश करूगा। तो अज गुरप्रीत कांगड़ में भी सुमन जारी हुए हैं आमदन तो बाद जे को साधन पुछण के लिए तो इस तो पहला एल ओ सी जारी हुई थी विरोधी कह रहे हैं कि बदलाखोरी की नीति है जी की कहोगे। देखो मैं एक बेनती करता भी जे किसी ने कोई गलत काम कर नहीं फिर उन्होंने डरन की लड़ नहीं जे गलत काम कर फिर जरूर डर देखो होंगे चले होंगे सो इस करके जे कोई गलत काम किसी ने नहीं कराया किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया लंघे समय से फिर उन्होंने डरन की लड़ नहीं है जांच होंगी हो जाए तो चक्कर तो गोविंदवाल साहब जेल तो बाद अपनी फिर एक बार एडीजी साहब को लैटर लिखा गया कि जो सिद्धू मूसेवाले के कतल ने दोबारा जेल से गड़बड़ी कर सकते हैं जी तुम्हें की लगता है कि जेलों के जो सिस्टम हले भी कमजोर है जी। देखो साढ़े जदों की सरकार रही है समय समय से जी जांच भी होंगी रही है सो उते हर एक जी नज़र है वो बना के रखी हुई है कोई किसी किस्म की कोई गड़बड़ यह हो नहीं दी जाए। सर एक वायरल वीडियो का मामला से ओवरएज जी डॉक्टर की भर्ती है विरोधी हूँ भी सवाल चुक रहे हैं कि यदि जांच होनी चाहिए पासपोर्ट पद्धर से तो नाम लैके बिल्कुल हो जाए तो चक्कर तुम्हें की लगता है कि मामला जी ओवरएज भर्ती कुछ कोई इदा का कुछ है नहीं जे कोई किसी लगता कोई जांच करा ले कोई चक्कर बनती है जी कोई गलबात कोई चक्कर नहीं। मिनिस्टर साहब चेतन सिंह जी जौड़े माजरा साहब उन्होंने उरे रिश्तेदार ने खन्ने उन्होंने निजी प्रोग्राम से खुशीनामे प्रोग्राम से उत्थे वो हाजिरी लगवा आए थे तो जो मैं मैनू उत्थे मिले तो उन्होंने मैं बेनती की कि साढ़े उरे जरूर ऑफिस के आके जायो तो साढ़े जोड़े शहर दिया एक दो समस्यावान उन्होंने मैं डिस्कस भी की तो उन्होंने दसिया मैं सारी गलबात का भी दूजा उन्होंने मैं दसिया कि जोड़ा खन्ने जिला बनाने का मैं मुद्दा सदन के चक्या भी यदी तुसी प्रोड़ता करो तो यह भी गल है जी अपनी सरकार दे विच आपां रखी है तो इहनू खन्ने नू जल्दी तो जल्दी आपां कोशिश करके जिला बनाउण कनी नू आपां तुरीए सो होर भी बहुत डिस्कशनज हुई खन्ने नू रिगार्डिंग कुछ मैं कहा भी साढ़े खन्ने के कई पिंड अही जे ने जिथे कोई आमदन के साधन नहीं है भी सानू सरकार वालों उत्थे ग्रांट्स भी पवाईया जाण तां आश्वासन वधिया दे के गए ने मिनिस्टर साहब और मैं इस गल की उन्होंने धन्यवाद भी करना। देखो एक गल नोट कर लियो सरकार वालों कदे भी जिंदगी दे विच कताही नहीं हो सकती ये जे कताही हुई होगी अफसरशाही दे लैवल दे उत्ते ते जेड़े बंदे इहदे विच फड़े जाणगे या इहदे विच उहनां दे मतलब के पाए जाणगे उहनां ते कारवाई होगी हले तो अंडर सारा दा सारा प्रोसैस है जिहड़ा वो इको उहदे तहत है भी इनकुआयरी दे तहत है लैट लैट इनकुआयरी कंप्लीट होण दो पता लगण दो भी उस च है की कारण इनवैसटीगेशन है वह होने दो इनवैसटीगेशन तो बाद पता लगेगा गल हैगी भी है या नहीं हैगी कि सिर्फ एक बनाया गया है सिर्फ ह्यूमर जे पहली गल तो गल होगी नहीं जे हो तो जेडे बनते दोषी होने उन्होंने बनती सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। अकाली दल ने जो लोकसभा का उम्मीदवार भी अपना ऐलान था लुधियाने तो किस तरह देखते तैयारियों कहते भी जितेंगे 13 सीटें देखो उन्होंने अपनी एक सोच है इंडिपेंडेंट ने कुछ भी कर सकते हैं वो इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं जितेंगे या हारांगे वह बिल्कुल जानी कि खत्म हुई हाशिए तो भी थले जा चुकी पार्टी अकाली दल जिन्होंने बेअदबियां कराइया गुरु महाराज दियाँ जिन्हों के राज दे विच चिट्टे दे व्यापार होए जिन्हों के टाइम दे विच पंजाब बलदी दे बूते च गया निहत्थे बैठे जिहड़े साडे संगत सी उहदे उत्ते गोलियां भराइया गई ऐसी मतलब कि ये लोगों के दिलों से जे जी चीज़ की छाप है ना वो गई नहीं हैगी उमें दी उमें लोगों के दिल धुख रहे हैं और यह एक छड्डो चाहे 13 दियां 13 सीटां तो उम्मीदवार ऐलान कर दें सारे दियां जमानतां जब्त होणगियां।